अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू। जैसे कि मैं आपका दोस्त मुबच्चे से शुरू कर उठ चुके हैं और चाय बन रही है, हम चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद हमने पहनना है आज जुब्बा, और जुब्बा पहन के हम जाएंगे फिर रुमाल लेने, और फिर वहाँ से हम फुल शेख बन के हमने बाजार घूमेंगे और आपको भी बाजार विजिट करवाएंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। होटल से भाई हम आ गए हैं, बस हमारी आ गई है, अभी बस चलते हैं क्योंकि अभी हमने जाके जो है रुमाल लेने, जुब्बा तो हमने पहन लिया है, अभी बस चलते हैं। अभी हम आपको इसलिए नहीं दिखाएंगे जुब्बा, जब तक हम रुमाल नहीं पहनेंगे तब तक हम आपको दिखाएंगे नहीं कि हम लग रहे कैसे। खुद ही पार्किंग से हम क्लॉक टावर के नीचे इंटर हो चुके हैं, जो रास्ता हरम को जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। अभी यहाँ हरम से बाहर निकलेंगे, कहीं कॉर्नर पर जो है रुमाल वाले बैठे हुए, तो हम वहाँ से रुमाल लेंगे। कि यहाँ बेसमेंट पे भी जो है एसी चल रहा होता है और बाहर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो रुमाल हम इनसे ले रहे हैं और फिर हम पहनते हैं। रुमाल हमने बांध लिया, हमने खुद बांधने, देखें कैसे माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। अभी दो लोग हमारी तारीफ करके गए हैं, हालांकि हम रोड पर ही बांध रहे थे, तो उन्होंने बोला कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा बांध रहे हैं, और मैंने यकीन माने फर्स्ट टाइम ये रुमाल बांध रहे हैं। क्लॉक टावर हम फिर से आ चुके हैं, अभी अंदर जा रहे हैं और जो दुकानें बंद थी वो भी आज विजिट करेंगे सारी। इधर हम परफ्यूम टेस्ट कर रहे हैं क्लॉक टावर के अंदर, और ये यहाँ की सारी दुकानें हैं। और कपड़े भी यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन डिस्काउंट भी है अगर आप इन्हें बोलेंगे आई एम फ्रॉम अल पाकिस्तान, तो ये आपको स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। तो अगर आपने लेना है तो क्लॉक टावर में लाजमी आइएगा। क्यों मामू, आना चाहिए? बुलाने चाहिए जल्दी। ठीक है जी, आते हैं। परफ्यूम वाली शॉप पर हम आ चुके हैं और परफ्यूम टेस्ट कर रहे हैं। आप भी सुन रहे, खुशबू आई आपको? नहीं आई ना। नीचे की शॉप हमने विजिट कर ली, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर की शॉप्स भी विजिट करेंगे। यहाँ पर आपको जितने भी दिखेंगे ना, सब माशाल्लाह से नकाब में ही दिखेंगे, बिना नकाब के कोई भी नहीं दिखेगा। अरबी जितने भी हैं वो सब नकाब वाले हैं, ठीक है। और अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं और वहाँ पे भी हम दुकानें चेक करते हैं कि वहाँ की दुकानें और कौन कौन सी हैं। और उसके बाद स्टारबक्स भी आ चुका है, और स्टारबक्स एवरीवन ब्रांड, एवरीवन ऑल वो कुल्लू ब्रांड क्लॉक टावर। माशाल्लाह से यहाँ का मॉल ख़त्म है, मैं बोलता हूँ ख़त्म है यहाँ पे। अभी बस हम चल रहे हैं मॉल विज़िट करते हैं और फिर हम आपको भी मॉल विज़िट करवाते हैं। यहाँ की सारी कपड़ों वाली दुकान है फर्स्ट फ्लोर पे, और परफ्यूम भी है ज़्यादातर यहाँ पे। ऊद है, ऊद जितने भी है ना सबके साथ बाय वन गेट वन फ्री है। अभी हम मॉल से नीचे जा रहे हैं और हम फर्स्ट फ्लोर पर थे, और अगर और ऊपर जाते रहते तो फिर जाते ही रहते, दो तीन घंटे हमारे यहीं बर्बाद हो जाते। तो अभी बस हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि हम जा रहे हैं मदीना, और अभी बस हम नीचे उतर चुके हैं और बस की तरफ जाएंगे और फिर हम जाएंगे मदीना, और फिर वहाँ पे आपको मदीना के भी ब्लॉग दिखाएंगे कि मदीना माशाल्लाह से कैसा है, और आपको वहाँ की ज़्यारतें भी करवाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी बस चलते हैं मॉल से बाहर की तरफ और उसके बाद हम बैठेंगे बस में, या उससे पहले भी आई थिंक कि हम कुछ करें। तो अभी बस पहले मॉल से बाहर चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करेंगे। बाहर हम आ चुके हैं और मामू को देखें माशाल्लाह से, मामू ने भी ग्लासेस लगा लिए। अभी हम चलते हैं बस की तरफ और फिर बस में बैठेंगे। बस में हम बैठ चुके हैं और अब हमने खाना भी ले लिया है, खाना लेके हम बस में बैठ चुके हैं क्योंकि हमने मदीना के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। तो अभी बस हम जाएंगे होटल में और होटल से अपना सामान उठाएंगे और फिर दोबारा बस में रखेंगे और फिर निकलेंगे मदीने के लिए। बस हमारी लेट हो चुकी थी और हम जल्द से जल्द बाहर निकल आए हैं। अब हमने अपनी प्राइवेट टैक्सी करी है
जो हमें एक सूखी सूखी ढस लगी है, जिस वजह से मामू मुझसे नाराज हो गए। मामू क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस आंखें नम हो रही है याद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। अभी हम जा रहे हैं मदीने और अपनी प्राइवेट टैक्सी में जा रहे हैं क्योंकि हमारी बस जो है वो हमें छोड़ के चली गई है और ये अभी हमें सूखी सूखी एक डस लग चुकी है। ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 150 रियाल लिए इसने। गाड़ी हमारी चल चुकी थी और अभी हम रुके हैं पंप पे, ये यहाँ पे डीजल डालेंगे स्टारिया, अभी ये डीजल डालेंगे और उसके बाद जो है हमारी गाड़ी फिर से चलेगी, वो जाएगी मदीना। तो जब तक ये टैंक फुल करते हैं और हम जो है पानी की बोतल लेकर आते हैं पहले तो, और फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह मदीना। ये यहाँ का पेट्रोल पंप है और ये मेरे मामू साहब, ये पेट्रोल पंप है और ये डीजल पंप है। अभी चलते हैं पानी की बोतल लेने। पानी की बोतल हमने ले ली है और अब हम गाड़ी में बैठते हैं और अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। और हम बैठे हैं फ्रंट की सीट पे, आपको फ्रंट से व्यू दिखाएंगे। टैक्सी से हम उतर चुके हैं और टैक्सी से उतरने के बाद हम दूसरी अभी टैक्सी में बैठे हैं और अब हम जा रहे हैं अपने होटल फाइनली। और हम बिलाल मस्जिद के थोड़ा सा आगे उतरे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह से बिलाल मस्जिद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अभी हम चलेंगे ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी हम अपनी दूसरी टैक्सी में बैठे हुए, ये हमारे भाई ड्राइवर हैं और यहाँ पे टोटली लेफ्ट हैंड कार्स हैं, टोटली लेफ्ट हैंड कार्स हैं। तो अभी हम अपने होटल चलते हैं और मैं आपको अपना होटल दिखाता हूँ और अपना होटल भी देखते हैं कि वो होटल कैसा है। चलते हैं, ये भाई हमारे ड्राइविंग कर रहे हैं और हम थोड़ा सा इंजॉय करते हुए चलते हैं। माशाल्लाह से मदीना बहुत ही खूबसूरत है। होटल पे हम आ चुके हैं और अभी जो है हम जा रहे हैं, हमारा 7th फ्लोर है और रूम नंबर है 726 726। अभी बस हम सामान रखेंगे और हम रूम में जाएंगे अपने, और मैं आपको अपना रूम भी दिखाता हूँ कि हमारा रूम कैसा है भाई। अभी मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। एसी चल रहा है, फुल चिल्ड माहौल, और हम यहाँ पे अपने फ्लैक्स करते हुए और मामू सामान लेकर आ रहे हैं। हम भी अपना सामान लेकर आते हैं भाई, पहले थोड़ा सा लेटते हैं। हाँ ये कर लो पहले। और इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ही एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।